तो गया है जो भगवत धाम में पहुंच गए उनके लिए मोक्ष दान उचित है, जो लोग नरक में जाते हैं उनके लिए मोक्ष दान उचित है। ये तो वृथा आठ बैग सात बैग परमायु बैग बजाते कितने सात तो बनते हैं महोत्सव वस्तव के लिए महोत्सव बनाने से क्या होता है भगवान से पुत्र आशीर्वाद मिलते है। जैसे भगवान भगवान का जन्म महोत्सव बनाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे वस्तु के जन्म महोत्सव और त्रिदान महोत्सव जब निर्जान महोत्सव बनाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रेम वर्षा चाहते हैं। प्रेम तो हमें प्रयोजन है तो चैतन्य देव प्रेम बरसाते आए हरिदासे हृदय सब जे कहल दर्शन तार मध्य जे कहल नर्तन कीर्तन जे तारे बालुका दीते समुद्रे कहल गवन तार मध्य महोत्सव जे कहल भजन अतिरे सवार हवे कृष्ण प्राप्ति अतिरे सवार हवे कृष्ण प्राप्ति हरिदास दर्शन आए वही थे महाशक्ति कृष्ण प्राप्ति सहज सुलभ है वस्त्र महोत्सव में जन्मान तो उनके प्रणाम दिन में पुष्पांजलि प्रदान करते भाग पुष्पांजलि श्रद्धा से भक्ति राज्य आरंभ स्टार्ट होता है धर्म राज्य स्टार्ट होता है। श्रद्धा के पहले तो अधर्म मिला सकते हैं। श्रद्धा किस प्रकार है कृष्ण भक्ति पहले सर्वधर्म मिला इसी प्रकार श्रद्धा से धर्म राज्य स्टार्ट हो गया है धर्म राज्य में प्रवेश हो गया प्रवेश कर सकते इसके पहले नहीं श्रद्धा हो जाए तो गुरु चरण सत्संग ये सब धर्म राज्य में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। जैसे आप लोग दिल्ली से आते तो कांठी करते 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 नागर करते करते ये वृंदावन में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ऐसा वृंदावन मार्ग धर्म मार्ग रहते हैं। सत्संग बिना धर्म नहीं है श्रद्धा के बिना धर्म का आरती है श्रद्धा का धर्म का आधार क्या है जो कृष्ण के नहीं मानते मानो वो लोग आधार देवता के उपासक हो चाहे हो चाहे ना हो कि ब्रह्म के उपासक हो तो धर्म राज्य में नहीं है धर्म राज्य में प्रवेश कर उनका नहीं है। धर्म बोला ही भगवान सब भेदमय तो भगवान भगवान शब्द का विचार करो भगवान कौन है जो छोड़ सज के साथ विराज करते विलास करते हैं। हरि हरि शब्द को उच्चारण करते हुए निराकार निर्विशेष नहीं है तो भगवान सबको मन छीन लेते हैं पाप ताप दरिद्र दुख को छीन लेते हैं वो है हरि। तो हरि धर्म का मूल है उनके प्रति जो श्रद्धा विश्वास वो विश्वास से धर्म राज्य स्टार्ट होते हैं धर्म राज्य में प्रवेश करती तभी मंगल मिल सकते। इसलिए हम लोग देखते हैं गुरु चरण आश्रय पहले गुरु चरण से परमार्थ राज्य प्रकाशित होता है। भागवत भक्ति के चिंतन में कह दिया है आदो गुरु आश्रय आदो इसके पहले नहीं आदो गुरु पदाश्रय तस्मात कृष्ण विश्राम शिक्षण और विश्रम में न गुरु सेवा साधु तभी साधन पत्र करते तो हमारे परम पुज्य भक्त सिद्धांत सर्वोच्च विश्राम ठाकुर जी के हस्त स्वरूप है। हाथों से सब काम करते हैं ना पूर्वत भक्ति सिद्धांत शक्ति के हाथ आदर हजारों शिष्य आए तो हजारों आ गए उसमें थे जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट स्थापन करने के लिए आचार प्रचार विचार रहते हैं वो तो बड़े लंबे हाथ है
जो लंबा से संसार में गिरे हुआ प्राणी तो सब उठा देते है और कृष्ण के चरणारविंद में जुड़ा देती है, मिला देती है। हाथ इतना थोड़ा महाबाहू आई तो महाबाहू केवल बलराम नहीं आई, नित्यानंद प्रभु महाबाहु है और गुरुपाद प्रभु भी महाबाहु है, महामना है। संत लोग संतरिक जीव के लिए चिंता भावना करते है, अरे गुरु वैष्णव लोग सारे दुनिया के जीव जाति के लिए चिंतन करते है, सबका अपना मध्य है। संत लोग बोलते ये हमारा है तुम्हारा है, ये हमारा है तुम्हारा है, बताते है संत लोग बताते सब हमारा है। सांदते किस प्रकार और चिंतन तुम्हारा ऐसे सांदते है जैसे विदुर थी धृतराष्ट्र के पास जाते गए आप कुत्ते के मारे यहाँ पर बैठ बैठ के बात करते हैं, जिनके प्रति इतना अत्याचार किया है आपके पुत्र लोग, आप यहाँ कर बैठ बैठ के कुत्ता के बात ही अन्न खाते हैं, लज्जा को बना चाहिए। देखो ऐसे एक बॉक्सिंग मार दिया विवेक का दाम खुल गया। आवारे महाराज जी ऐसे एक बॉक्सिंग मार दिया, सब लोग तो मायावादी है, सब लोग बताए जीव ही जीव है, सब लोग कहते जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है, जिन्हें प्रेम करे जन चैतन शिव जी सर ये मौत लेके चलते हैं तो मरो, ये दार बंद है, परमार्थ दार बंद है, वो परमार्थ नहीं देख सकते हैं। तो जीव मानते भगवान मानते तो भाषण दिया है उनके लिए परमार्थ दर बंद है, परंतु मारा से ऐसे एक बॉक्सिंग मार दिया, एक बॉक्सिंग से दार खुल गया। जब खुल गया तो सुनाए सब समझ गया क्या हुआ, क्या हो रहा है, किसके बात सुनना चाहिए। तो ऐसे परम महापुरुष तो पहले ही नरसिंह महाराज वो नरसिंह अवतार के माध्यम से वीर रस के द्वारा प्रचार करने में भी तो होना ठीक है, प्रचार जो है निर्भीक होना है। निर्भीक कौन है, जब दैत्य प्रहलाद जिनका द्वितीय अभिनेश नहीं है वो निर्भीक है, वो सही बात बन सकते हैं और सही बात से जीव का कल्याण होता है। जो सबको मनोरंजन की बात बताती है मानो वो स्पीकर नहीं है, वो फाटा रह रहा है, वो तो फ्लाट हो गया। अच्छा बहुत ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरीहर्ष ग्रीवाशुभि भवेव च प्रतिपानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे अभी हमारा श्री गुरुपाद पद्म जगद्गुरु श्री श्रील भक्ति सुधीर आचार्य जोशी महाराज श्री चरणदंड वंदनम के सभा सभापति महाशय उपस्थित सन्यासी वृंद एवं भक्तवृंद चरम दंडी यथाज्ञ प्रमति। आज जी महापुरुषि शुभादि शुभ योभा तिथि द्वारा नित्य लीला प्रविष्ट जगद्गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक अन्यतम पार्षद प्रवर
श्रील श्री रूप श्री भांति श्री महाराज श्री चरण गंगे तमाम तमाम प्रणाम। आज जे धर्म सभाते दुई चार्टि बाणी पुष्पाजलि निवेदने आमार मत एई रकम नगण्य सुयोग पेयेछे तार सेई वैष्णवेर अवैतुकी कृपा रूपी सेई আমাদের ভক্তি সর্বস্ব গোবিন্দ মহারাজের আদির চরণে আর বিশেষ প্রণাম। উনি আমাকে স্নেহ করেন, তা আজও একটি সুযোগ প্রদান করেছেন পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনে। আজ যে মহাপুরুষের শুভাতিশুভ তিরোভাব তিথি পড়া আমরা সবাই শ্রবণ করলাম, যে জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ নাম দিয়েছিলেন সিদ্ধ স্বরূপ ব্রহ্মচারী। আবার এই সিদ্ধ স্বরূপের যে বাগ্মিতা, তার যে সরলতা, তার যে সিদ্ধান্ত জ্ঞান এবং সেবা সৌষ্ঠবতা, সেই ভাবসমূহকে দর্শন করে জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ তিনি জানতেন ইনি অপরের পরম মঙ্গল সাধনে ব্রতী হবেন। আর এনার যে উপদেশ যা অপরের মহামঙ্গল সাধন করবে, তাই জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সিদ্ধ স্বরূপ দল ব্রহ্মচারীকে একটি উপাধি দিয়েছিলেন, উপদেশক। এরপর শ্রী চৈতন্য প্রচারিণী সভাতে তিনি একবার মহা উপদেশক উপাধি দেন। তার যে বাগ্মিতা এবং প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রের যে সুসিদ্ধান্ত, এমনই সেই রসালো এবং সিদ্ধান্তপূর্ণ কথামৃত পরিবেশন করতেন এবং সকলকে মুগ্ধ করে সেই পরাবরেশ জায়তে রতিহি ঘটিয়ে দিতেন, তাই প্রভুপাদ তাকে বিদ্যা বাগীশ উপাধি প্রদান করেছিলেন। এ হেন যে মহাপুরুষ, তার কথা বলতে গিয়ে একটি কথা মনে পড়ে যায়, যেটি পূজ্যপাদ গোবিন্দ মহারাজ গুরুতত্ত্বের কথা বললেন, হৃদয়টা সেই কৃষিত হৃদয়ে বাড়িপাতের ন্যায়। কেমন যে পরমেশ্বর ভগবান, যে ভগবানকে আরাধনা করব, যে ভগবানের নিরাজন করব, যে ভগবানের তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করব, যে ভগবানকে আমি প্রাণারাম প্রাণপ্রদীপ রূপে জানব, যিনি আমার গতি, যিনি আমার ভর্তা, যিনি আমার সাক্ষী, যিনি আমার শরীর, যিনি আমার ইহকাল পরকালের বান্ধব, সেই চরম পরম যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আগে শুনলাম যে শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্বকর্ম কৃত হয়, কৃষ্ণে ভক্তি না করলে সর্বকার্য সমাধান হচ্ছে না। তাই ওই যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণে আমি ভক্তি যাজন করব, সেই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করব, তার অবিচিন্ত যে লীলা কল্লোল বারিধি তার মধ্যে আমার প্রবেশ হবে, এ তো অসম্ভব। কারণ মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান, কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞানই নাই, তাইলে সেই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ হবে কি করে? অসম্ভব। কিন্তু ওই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ, যার সামান্যতম কৃপা হেলেন, যার সামান্যতম কৃপা দৃষ্টিতে, যার সামান্যতম দয়া দাক্ষিণ্যে, ওই পরমেশ্বর ভগবানের যে নামামৃত, লীলামৃত, গুণামৃত, ভাবনামৃত, চিন্তামৃত, রসামৃত, প্রসাদামৃতের মধ্যে অতি সহজ সরলভাবে প্রবেশ অধিকার হয়, তিনি জগৎবরেণ্য প্রপূজ্য চরণ শ্রী শ্রী গুরুপাদ পদ্ম। তাই এহেন শ্রী গুরুপাদ পদ্মে শ্রী চরণ দন্দে একটি ছোট্ট কবিতা লিখে নিয়েছি, আমি একটা পাঠ করে শেষ করব, কারণ শুনব আমি। হরে কৃষ্ণ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জগৎগুরু শ্রী শ্রীল ভক্তি শ্রীর সিদ্ধান্তি গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি বাসরে এদিনের বাণী কুসুমাঞ্জলি। শুভ আশীর কৃষ্ণ ষষ্ঠী ব্যাসের পূজন, যিনি মদের সর্বারাধ্য শ্রেষ্ঠ মহাজন,
তারি আজ তিরোভাবে ধ্বনিত মঙ্গল বন্দি ছিল শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি প্রভুর চরণ প্রভুপাদের বরপুত্র দ্বৈতরা ধার বিশ্ব মাঝে আরাধিত শ্রেষ্ঠ সভাকার অপ্রাকৃত সিদ্ধ স্বরূপ নামটি ধারণ করে গুরুমনভীষ্ট পূরণ করলেন সেবাদারে প্রভুপাদ প্রভুপাদ বলে কান্তেন তুমি জগৎগুরু প্রভুপাদ তব সাত্য শিরোমণি গুরুই শিষ্যের জীবন স্মরণ রত্ন ধর্ম গুরুচরণ চিন্তন শিষ্যের প্রেম রতন শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি প্রভু অনুকুলার রাধা তব নাম উচ্চারণে যাবে ভজন বাধা তিরোভাব তিথি মোরা তব নাম গাই তব কৃপায় পাব মোরা গৌরমিতাই ওহে শান্ত ওহে দান্ত ওহে সারাদ সার কৃষ্ণ কান্ত শিরোমণি দ্বৈত রাধার নাম রূপ গুণগানে সদাই মগন সাধ্য সাধন নাম প্রেম প্রয়োজন তব তিরোভাবে তিথি পালি শ্রীরাধা বিনোদ গৌড়ীয় মঠে বসি গোবিন্দ শ্রীধর মহারাজ স্বামী সকলের কৃপা শিষে মঠ প্রাঙ্গণ আনন্দে নাচে নরসিংহ কান্দে সঙ্গে খান্দ দুর্ব পুষ্প মাল্যে পুজিব তোমায় ক্ষমা করো দয়া করো ওহি দয়াময় বাঞ্ছা কল্প করি ছন্দবদ্ধ কবিতাকে মাধ্যম সে গুরুপদ্মে গুরু পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকে বাংময়ী পুষ্পাঞ্জলি কেবল পেট সে দু ফুল লেগে ফেক দিলে সে পুষ্পাঞ্জলি নেই হতো পুষ্পাঞ্জলি অন্তর সে অন্তর সে কেবল বাক সে নেই কেবল হাত সে নেই কেবল দপ সে নেই পরন্তু অন্তর সে হোনা চাই আন্তরিকতা কে হয় মমতা গুরু বৈষ্ণবের প্রতি মমতা আছে ধর্ম উদয় আজ মহারাজ পন্ডিত চরণারবিন্দ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কে কবি Offer my prostrate obeisances to my divine spiritual master, Kandishtha Bhakti Kumati Jesu. Next, in the mood of Siksha Guru, former Siksha Guru, His Divine Grace, Shri Shirup Siddhanti Maharaj, I offer my prostrate obeisances and seek His blessings on the Tirubhavati, disappearance state. So, respected sannyasis, His Holiness Srila Bhakti Sarvesha Sadhu Govinda Maharaj, my obeisances, Srila Bhakti Ananda Sridhar Maharaj and all other sannyasis. I will present my obeisances. Actually, I did not come here to speak, but since because of Maharaj, he asked me to speak. In fact, I did remember in the teachings of Srila Bhakti Siddhanti Maharaj, he once mentioned that without the blessing of the spiritual master, one cannot understand
or fully understand his teachings, or his, in fact, his identity. So in this respect, who am I to say, how am I to glorify, when I myself am incapable of? So anyway, I have read of his glories. Bhakti Swarup Siddhanti, in this sense, means he is fully fledged in devotional conclusions. Siddhanti. Actually, Sri Chaitanya Charitamrita Mahaprabhu also mentioned that one should not be lazy in understanding spiritual conclusions, devotional conclusions of the scripture. So in this sense, Siddhanta, His Divine Grace, the Bhakti Siddhanta Maharaj, has proved himself. In fact, once in his room, when he was a brahmachari, when he was Swarup Siddha brahmachari, he had the opportunity to go to Bangladesh, and there he did mention that Srila Vivekananda, the philosophy of Vivekananda was not actually proper. So this, in fact, when he mentioned this, actually those people were all supporters of Sri Vivekananda, Ramakrishna Mission. It caused an uproar, an upheaval, and this reached the ears of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. In fact, Srila Prabhupada was actually, was nonplussed, he was actually quite happy. He said, no, what nobody had done for a long time, for such a long time, Brahmachari, Swarup Siddha Brahmachari has completely fulfilled my task, actually, in that respect. So this, and in fact, he did go to Bangladesh, and then he, in fact, consolidated, pacified those people there by completely giving a full definition of the deep understanding of devotional scriptures. He pacified them. So that was not the only achievement. In fact, Siddhanti Maharaj, in our scripture, Vedic scripture, Shruti is more accepted in the society, among the Pandits, Shruti. So in this respect, Shruti, the Divine Grace Siddhanti Maharaj, in fact, compiled very, very interesting work called Govinda Bhashya, which is actually the delineation of the Vedanta Sutra, Brahma Sutra, Vedanta Sutra, Shruti Vada. And actually this is accepted by all the sampradayas. This is actually a very effulgent work that in fact uplifted our sampradaya. This work, Govinda Bhashya, uplifted, was done by Bhalde Vidya Bhushan, but he translated this in Bengali again. And Mama Mahaguru, what we translate from that is Govinda Bhashya, Shruti Bhakya. Not only that, many other treatises on Upanishads, in fact, certain other parts of scripture was also compiled by him, Bhakti Rupa Siddhanti Maharaj. And actually, I understand, when he first came to the mart, he actually had a very deep connection with whom he considered Siksha Guru, Shri Bhakti Vivek Bharati Maharaj. This is mentioned, he had very great connection with Shri Bhakti Vivek Bharati Maharaj. And in fact, he was actually brought in the fold by the grace, the divine grace of Bhakti Bharati Maharaj. Siddhanti Maharaj also actually has mentioned, Maharaj has mentioned in his, he was actually awarded the title of Upadeksha by Srila Prabhupada himself because of his literary quality, his writing of literary works, very simply giving an understanding of the scriptures. That he actually had this very great capability. Srila Bhakti Rupa Siddhanti Maharaj. So actually the Guru, in fact, I remember most of his writings, when he gave a set of writings for the Mart, most of his writings were based on the subject of Guru. Actually the basis of all spiritual foundation is Guru. So in that he says, many of his words were implying that the devotion to Guru is our only it's the only way by which we can achieve the Supreme Lord. And so we like that, so many verses were compiled by him regarding Sri Guru. So this is actually illustrating his devotional life, his Gurutva, and his spiritual, as a spiritual mentor. So anyway, there is many things I would like to say, but anyway, there are many other devotees to speak, so I will really stop. Manchata. कोई एक विशेष चरित्र को उल्लेख करते हुए हमारे
दामोदर महाराज उनके चरणों गुरु जी के चरण आरकुल में पुष्पांजलि प्रदान किए और गौड़ी भाष्य वेदांत सूत्र में गौड़ी भाष्य तो बलदेव विद्याभूषण का है परंतु सब लोग तो मूर्ख है, संस्कृत तो कौन जानते हैं, कौन जानते हैं, बांग्ला भी नहीं पढ़ सकते हैं। देखो संतों के घर में वेदांत सूत्र है कि जो लोग संत लोग संतर में गुरुवर के सबको समझाते हैं उन लोग के घर में वेदांत सूत्र आएगी, उपनिषद आएगी। बहुत से लोग नहीं आग से नहीं देखा, मेनली जो एकादश उपनिषद और गोपाल तपनी उपनिषद हमारे गौड़ी वैष्णव लोग से मानते हैं, जिनसे कोट करके वेदांत सूत्र रचना किया है वो सब नहीं देखा। परंतु गुरुवर के उद्देश्य के ये सब शास्त्र राष्ट्र शास्त्र है, ये शास्त्र के बिना शब्दादि सत्य शब्दे परे तो निष्ठतम ब्रह्मण उपस्वाश्रयम, केवल पाताने से नहीं भाग से नहीं आचरण तो होना चाहिए, उसके चरित्र होना तो देखना चाहिए। तो बाला से बहुत चरित्र है, एक से काम किया है कि गौड़ी संप्रदाय लोग सबरा आगे पहले ही तो मंदिर भजन के लिए जाती है कि वेदांत सूत्र नहीं पढ़ते है, उपनिषद भी नहीं पढ़ते है। आनंद कुमार जी बताते हैं ये क्या हो रहा है सब, और राधा कुंड के पंडित जी बताते हैं क्या हो रहा है, उपनिषद नहीं पढ़ते है, गीता भागवत नहीं पढ़ते है, वो भक्ति वो राधा सुधा नदी पढ़ती है तो कैसे समझ पाएगा, वो रस में प्रवेश अधिकार ही नहीं होगा। इसलिए प्राकृत प्राकृत समझा बांध दिया है, मोटर बात से खंडन किया तो मेरा भाष कर्तव्य है, हमारा अध्ययन कर्तव्य है। पहले तो नीम तोड़ो, नीम खोदो, उसके बाद बिल्डिंग बनाओ, बिना नीम के बिल्डिंग कैसे, नीम तो लगाओ पहले, फाउंडेशन दो, सात तला बिल्डिंग जब जहां पर होना है वो से कितना नीम देना चाहिए बताओ, श्रद्धा साधु संघो अनर्थ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति बाप प्रेम, इतने बड़े बिल्डिंग उठाने चाहिए तो फाउंडेशन ज्यादा सुविधा होना चाहिए। फाउंडेशन क्या है, शास्त्र सिद्धांत वेद वेदांत उपनिषद, ये तीन शास्त्र जो तीन जानते हैं वो गुरु, न्याय प्रस्थान श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान, तीनों प्रामाणिक शास्त्र है, तीन शास्त्र में जो अभिज्ञ है वही गुरु। इसके अतिरिक्त और भक्ति तुम्हारे है हमारे महाराज भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुवास श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
मैंने जहाँ तक रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का इधर उधर अनेक संतों से जो सुना है उसके बारे में बताऊं, उनको गौड़ीय डिक्शनरी कहा करते थे, उनका जो नाम है श्री रूप सिद्धांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज। अभी इसमें नाम में क्या नहीं है, सब कुछ है। श्री मतलब राधा रानी, रूप मतलब गोस्वामी, जो राधा रानी के रूप गोस्वामी है उनके है कौन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के कौन है, सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी है। तो गुरुवर्ग जो नाम देते हैं उनमें अनेक चीजें होती है, उसमें सब कुछ कृपा होता है, और ये वैष्णव धर्म सिर्फ कृपा ही केवल पर निर्भर है। आज हम लोग अनेक भजन गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के, हाँ, तो उसमें अनेक जगह याचना ही याचना है और कृपा ही कृपा है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते ना, यदि गोस्वामी वर्ग नहीं होते तो महाप्रभु को कौन जानता, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद के गण एक एक धुरंधर है, हम बोलते हैं डेली सवेरे, हाँ है कि नहीं। तो अभी धुरंधर है तो उनको जानने के लिए भी तो कृपा ही चाहिए, तो सिद्ध स्वरूप कृपालु है, सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी कृपालु है, इसीलिए उनकी कृपा से ही उन्हें आप जान सकते हैं। जो श्रुति स्मृति पुराण, जैसे कहते हैं भागवत में एक शब्द है, जैसे अभी महाराज दामोदर महाराज जी बताए कि वो उनको सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी या भक्ति रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी भारती महाराज जी को ज्यादा उनके शिक्षक गुरु के रूप में। अब ये भारतीय शब्द में भी कितना भारतीय शब्द क्या है, भागवत रस तत्व, तत्व मतलब फिर सिद्धांत ही आ गए। अभी सिद्धांत प्रभुपाद के सभी गण जानते हैं भक्ति सिद्धांत गोस्वामी कौन है, अरे ऋचवान सुता दयितानुचर हम तो कहते ही है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ये वैदिक ब्राह्मण थे, नित्यानंद प्रभु ये राड़ीय ब्राह्मण थे या उनके पूर्वज भी, अद्वैत आचार्य ये भी जो है वारेंद्र ब्राह्मण थे, और प्रभुपाद के गण में अनेक धुरंधर ऐसे थे कि ब्रह्मण गण के भक्ति रहित माधव महाराज, भक्ति प्रमोद प्रणवानंद ब्रह्मचारी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, ये सभी धुरंधर थे, और सत्य सनातन धर्म भी गो ब्राह्मण ने हितायत पर भी निर्भर है। जो श्रुति स्मृति कृष्ण भागवत में कहते हैं कि कृष्ण स्वधाम गत के धर्म ज्ञान आदि सर कलो दिशा उदितो पुराण पुरुष में, तो वैसे जो पुराण पुरुष क्या है वो भागवत है, तो एक ग्रंथ भागवत है और एक व्यक्ति भागवत है। जब हम व्यक्ति भागवत को जानना चाहते हैं तो भी ग्रंथ भागवत ही मदद करता है, ग्रंथ भागवत को जानना चाहते हैं तो व्यक्ति भागवत जो है स्वयं आ जाते हैं या नाम कृपा करता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी हरिदास ठाकुर नामनिष्ठ आचार्य कहते हैं, तो ये भक्ति में सिद्ध है। भक्ति में सिद्ध मतलब उनको दृष्टि है, जैसे एक रामायण में कथा है कि राम जी ने गरुड़ जी का पहले ये कर दिया, जो जटायु था उसका श्राद्ध करके उसके बाद देखा तो वहां पर एक संपाति बोल के था, तो उसको भी गोद में लिया, तो संपाति ने कहा कि देखो मेरे को अभी भी दिखाई देता है कि सीता कहाँ बैठी है, अशोक वाटिका भी दिखाई। तो ऐसे हमारे गुरुवर्ग सब जो प्रभुपाद के गण है इनको दिखाई देता है, इसलिए हम लोग प्रथम ही वाक्य में क्या कहते हैं ज्ञान अधिमिरांदस्य ज्ञानांजन, तो गुरुवर्ग हमें दिखा रास्ता दिखाते, अभी हम नहीं माने उनका रास्ता तो वो बात अलग है। तो इसीलिए सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी एक गौड़ीय डिक्शनरी है, उन्होंने कई लॉ नियम उनके मंदिरों में भी, हम पुरी में भी गए थे, महाराज जी बहुत कथा अच्छे सुनाते थे श्रीधर महाराज जी उधर, तो वहाँ हर चीज जो है वो जैसे बच्चे को सिखाते थे ना, एक है तो क्या आ बोल दोगे, अभी आ आपका भी होता है आ और भी चीजों का होता है, अभी आ आ बोलने से क्या फर्क पड़ेगा कि क्या बताए।
तो उसी प्रकार से श्रुति स्मृति पुराण किसको समझ में नहीं आता, इतना आसान नहीं है। रूप गोस्वामी के उज्ज्वल निर्माण है, रूप गोस्वामी की टीका है, कल्पद्रुपी अनेक राग चमत्कार ग्रंथ, ये सब साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन रूप सिद्धांती अपना महाराज जी जो है ये उन्होंने सरल कर दिया कि तुम देखो भाई ऐसा है श्री मतलब राधा रानी किरण बिंदु कणा, तो इस प्रकार किरण बिंदु कणा, तो अनेक ग्रंथों को तो वो जो जो साधारण भाषा में जैसे भक्ति विनोद की भजनावली है या नारोत्तम दास ठाकुर की भजना, ये सभी आचार्य की भजनावली तो है ही है, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य क्या है तो वो समझाने के लिए उन्होंने सरल भाषा, इसलिए वो क्या है डिक्शनरी है, वो सब लिख लिख के दिए है हम लोग, तो हम उनकी अनुगत में आगमन करके भी चलेंगे तो फिर उनकी कृपा मिलेगी। आज मैं थोड़ी सी बात अच्छा सभा में रानी गौरी मार के महाराज नवीन कृष्ण उनके शिक्षा के चरणार बिंदु में उस पर भी प्रदान करेंगे। एक बात है तो तुम्हारा एक कदम है, एक कदम गुरु भी कृष्ण राधिकाय मदनये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। कंचाकल्पतरुभ्यः कृपा प्रकृतानां पावनेभ्यो नमो नमः। अस्माद्य श्रीगुरुपाद पद्म भगवान अभिन्नकार्यकृसंधानं ॐ विष्णुपालिष्टपरां शस्तकृष्णा भक्तिभक्तमाधव आदर करता हूँ सबका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। आज जो स्थिति के उपलक्ष्य करते हुए हम लोग समय एकत्रित हुई है, हमारे सामने हम लोग के सामने एक आदरणीय अमरणीय आशीर्वाद सूचक स्थिति उपस्थित हुई है। भक्ति सिद्धांत महाराज के शुभ तीरभा महाशक्ति मनाने लगा है, उनके पास पर मैंने शास्त्रांग धन्यवाद करते हुए दो चार शब्द तरह पुष्पान ज्ञापन करने के लिए प्रयास करता हूँ, उनका आशीर्वाद में प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी संबंध से मैं तो बहुत बहुत कुछ कहा है, जितना उनको कृपा मिला उतना मैं बोलने के लिए प्रयास किया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु धीरे दया करी सपार्षद शिवधाम सहवी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का अवतार का साथ में उनका पार्षद का साथ में शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए निकुंज वस्तु को आसाधन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी पार्षद का साथ में जीव को कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए, समस्त अवतार का अवतारी ठीक इसी प्रकार जिस समय विश्व जगत में घोर अंधकार था, जो चैतन्य महाप्रभु को शुद्ध वस्तु को जानते नहीं थे, इस वस्तु को देने के लिए जगत गुरु सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर
और उनके पार्षद का साधन नित्य जगस्वी जगत सीता की जगत नवती में इसलिए उनको जितना जल है सभी नित्य पार्षद नित्य नित्य गोलोक वृंदावन की स्थिति है। उन्हीं का पार्षद का अंदर में आज तिथि को हम मनाने जाते हैं जा रहा हूँ उच्च पार्षद सिद्धांत भक्ति सिद्धांत महाराज प्रति वास्तविक एक निर्भीक तेजस्वी और शुद्ध वस्तु को देने के लिए एक विस्फोट आचार्य रूप से रूपा जी को सेवा किया था। जिस समय विवेकानंद जी का कर्म मार्ग में विचरण करते समस्त देश एक तो अभिभूत हो गया था, ठीक उसी समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी सिद्धांत श्री सिद्धांत महाराज का आगमन। उन्होंने ढाका में जिस प्रकार से परिस्थिति था उस परिस्थिति अवस्था में जो कर्म मार्ग को बहुत बड़ी प्रचार चल रहा था वहां विस्फोट आचार्य सिद्धांत महाराज ने इसलिए उनको पूज्यपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण के विशेष है सिद्धांत भक्ति सिद्धांत और सिद्धांत वस्तु को जिसमें वरना संन्यास जैसा बोधन मार्ग से लग गया था ना हाँ भक्ति नहीं मार्ग कौन सा नहीं जो हो भक्ति पूज्यपाद नी महाराज की ओर से संन्यास लिया है बोधन महाराज ना ना भारती महाराज से लिया हाँ अरे बोधन महाराज से लिया तो उन्होंने एक चीज मैंने देखा है जितना प्रभुपाद जी का जल है उनने अपना गुरु भाई को जो सन्यास देता था ना खूब विचक्षण का साथ उनको पद भी देता था विशेषण देता था जैसे हमारे गुरु महाराज का नाम भक्ति द्वैत द्वैत शब्द राधे जय जय माधव द्वैत राधे कौन है माधव का द्वैत है श्रेष्ठ है इसी द्वैत शब्द का विशेष ये शब्द है। इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत ऋषि सिद्धांत महाराज ने दिया है जो प्रभुपाद जी का सिद्धांत विशेषण है या सिद्धांति विशिष्ट पद को लगाए थे सिद्धांति विशिष्ट पद है सिद्धांति विशेषण पद है। तो सिद्धांत को मतलब प्रभुपाद जी का जो सिद्धांत वस्तु को विश्व जगत में रूप देने के लिए भक्ति और सिद्धांत महाराज का नाम दिया था उसके बाद बधाई महाराज एक बहुत बुरी वस्तु है। उस समय जिस परिस्थिति था उसके बाद भक्ति बोला तीर्थ महाराज कह रहे अरे ढाका में ऐसा परिस्थिति करके आया हम लोग का तो प्रचार ही बंद हो जाए रूपा लाखों रुपया का काम करके आया क्या विशेष रूपा का जो महान पर्व अचर्च है लाखों रुपये का काम कर रहा है तुम क्या बोलता तुम्हारे प्रचार प्रचार बढ़ेगा इससे प्रचार आगे बढ़ेगा तो इसका बाद में देखो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए समय विचार है सभी लोग बोलेगा बहुत बड़े एक काम कर एक बहुत बड़े वस्तु दे के दिया प्रभुपाद का समय में जो गोविंद भाष्य का जो वेदांत है छापा नहीं था। महाराज जी ने पूज्यपाद भक्ति स्वती महाराज
सती महाराज विष्णु बहुत बड़े पंडित थे प्रभुपाद का समय में, उनको लेके महाराज जी ने वेदांत भाष्य का जो गोविंद भाष्य उन्होंने छपाया। तो गोविंद भाष्य बाद में क्या है, जब जयपुर में गोविंद का पास में राधानी को हटा करके रुक्मिणी को बैठे, रुक्मिणी के बैठने से फिर वहां का जितना गौरी वैष्णव से आपत्ति उठाया राजा से कि तुम्हारे तुम लोग अपना विचार का प्रदर्शन करो तो राधानी का हम बैठा देगा। तो उस समय वहां से जयपुर से जब यहाँ आया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल उस समय वृद्धावस्था में आज कल से ऊपर हो गया, मैं तो जा नहीं सकता यहाँ से। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का आशीष बलदेव विद्या विष्णु को भेज दिया था जयपुर में जा सिद्धांत स्थापन करके रुक्मिणी का पास हटा करके राधानी को भेजा दी, गोविंद का पास में राधा नहीं रहेगा, गोविंद तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और द्वारका देश कृष्ण नहीं है, तो द्वारका गोविंद के पास में कौन रहेगा, राधा रहेगा, उसको रहता है श्रेष्ठा है, गोपियों का श्रेष्ठा है और कृष्ण का बल्लभा है श्रेष्ठ बल्लभा। तो उसके बाद में बलदेव विद्याभूषण जाके तो उन लोग क्या बोला, तुम्हारे भाष्य कहाँ है, रामानंद मंत्र विश्वचारी संप्रदाय का भाष्य है आचार्य भाष्य लेके दिया, जब तक वेदांत को भाष्य नहीं है हम लोग तर्क नहीं कर सकते, आपसे आलोचना नहीं कर सकता। ठीक उसी समय बलदेव विद्याभूषण प्रभु गोविंद दर्शन करके आकाने की जब प्रणाम किया, उनको गले के माला अपना खुद भी गिर किया, पुजारी लोग उनको गले माला दिया, बलदेव विद्याभूषण गलता पहाड़ में जाके उस वेदांत एक सप्ताह का अंदर में गोविंद भाष्य अच्छा वेदांत गोविंद भाष्य लिखा, लिखने के पास फिर दोनों संप्रदाय में तर्क हुआ, तर्क में पराजय करके रुक्मिणी का हटा करके राधा को बैठक लाया। ये बहुत बड़ा ये जो वेदांत जो गोविंद भाष्य का पहले छापा नहीं था, महाराज जी बहुत बड़े वस्तु हमारे संप्रदाय के वस्तु के लिए, मैं आगे नहीं मानना चाहिए तो मैं सबसे बड़ा आज का दुखी हो रहा हूँ कि आज समस्त विश्व जगत में प्रभुपाद प्रभुपाद का जौन आज सारा विश्व में आंख खुला के गया, सबका आंख बंद था, सुसिद्धांत शुद्ध भक्ति का विचार को देखे गया, आज हम आंखों में देख रहा हूं कुछ बात शायद नारायण महादेव रहने से आज आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं बहुत बड़ी प्रतिभात हो जाता था, हम जीत सकता था, आज विदेशी लोग इसकन वाला सभी ये राधा बल्लभ संप्रदाय से क्या कौन है उसको सब दिखा देने की जा रहा है, अरे हमारे संप्रदाय में ये नहीं है उसको कभी भाग नहीं दे सकता है, उनको योग्यता नहीं है, अरे तुम पहले अनर्थ निवृत्त करो, तुम्हारे अनर्थ कहाँ किया तुम्हारे, पहले शरणागति देखो भक्ति में शरणागति में क्या कीर्तन करता है, तुम्हारे शरणागति कहाँ है, तुम्हारे आत्मनिवेदन कहाँ तुम्हारा अंदर में, जहाँ आत्मनिवेदन नहीं शरणागति नहीं है तुम्हारा अनर्थ नहीं किया अब तुम निकुंज सेवा करने चले जाओगे, फालतू बात है, कभी नहीं मिल सकते उनको, हमारे संप्रदाय में निष्ठा है, हमारे संप्रदाय में बहुत बड़े वस्तु है, उस वस्तु को लेने के लिए हम योग्यता अर्जन करना चाहिए, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जो गौड़ीय संप्रदाय में चाहे कुछ हमारे कुछ कमी रहे परंतु वस्तु तो हमको मिला, प्रभुपाद इसके जिम्मेदार है, हमारे गुरु वर्ग इसको जिम्मेदार समझ करके अपने भजन में आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से मैं प्रार्थना करती हूँ उनके चरण में भस्मानी दिया मैं कथा का विषय में ताऊ मंच के पास से जो है तो विचार में आप हो गए हो मश एक हो गोविंद भाष्य प्रकाशित करने के बाद गोविंद भाष्य को प्रकाश करने वाला कौन है, समाज में हिंदू समाज में तो ब्राह्मण लोग भी मूर्ख है, मंत्र भूलभाल पढ़ते हैं,
वेद तो आग में आग से कभी नहीं देखा, तो लोग वेदांत भाष्य को प्रकाश करने का करने में तो समर्थ नहीं है। तो सिद्ध रूपी एक कर सकते हैं, जो असिद्ध रूप है वो एक काम नहीं कर सकते। मर्म तो वही जानती है, जैसे भगवान का मर्म सभी लोग जानते हैं। भगवान कहते हैं मन महात्मन मनोगतम, हमारे हमारे महात्म मनगत भाव को गोपी लोग जानते हैं, इसलिए वो एक गोपी है जो गोपी प्रकाश किया गोविंद भाष्य को अनुवाद करके ट्रांसलेशन करके समझ, तो उनके शरणार्थी जो है अभी जीत कृष्ण प्रभु चरी प्रवचन कर 10 मिनट करो। सौमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अयत भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद सभापति महोदय, समस्त गणिपादगण, ब्रह्मचारी वैष्णव सभी प्रणाम कर और सभी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आज नाम हरे कृष्णा। आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती रूपराज की प्रिय जन हमारे गौड़ीय वैष्णव जो गुरु परंपरा में जो भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी गुरु भक्ति थी मना रहे, जैसे कि महाराज जी से हमारे सभापति महोदय बता रहे थे वैष्णव का जो अविर्भाव तिथि है और त्रोभाव तिथि है ये भगवान से भी ज्यादा, भगवान की जो जन्मदिन होता है अविर्भाव तिथि होती है भगवान से प्रकट लीला करते हैं, परंतु वैष्णव जन कृपा करने के लिए दो लीला करते हैं अविर्भाव लीला और त्रोभाव लीला, और ये त्रोभाव लीला सभी जीवों के लिए कल्याणप्रद होती है। कैसे? ये जो वैष्णव जनों की त्रिभाव तिथि है, जो पथभ्रष्ट जीव है पथभ्रष्ट जीवों को पथ मार्गदर्शन करती है, और शरणागत जीव है जो शरणागत जीवों को उल्लास प्रदान करती है, विरह प्रदान करती है और सेवा को प्रदान करती है, और जो व्यक्ति इस मार्ग से गुरु के मार्ग गुरुवर्गों के मार्ग से जो भूले गए हैं उनको ये शासन करती है और शासन करके सही मार्ग पर लाती है। तो त्रिभाव तिथि के बहुत प्रकार के वैशिष्ट है। जब जब गुरुवर्ग की त्रिभाव तिथि आएगी हम उनको स्मरण करेंगे और देखो उनका आदर्श चरित्र उनका जीवन चरित्र कैसे हमको शासन कर रहा है, कैसे हमको पथ मार्ग पर प्रतिष्ठित कर रहा है और शरणागत को कैसे विरह में डुबो रहा है, तो इसके भक्ति सिद्धांत रूपा ने कई प्रकार के वैशिष्ट बताए। उसी तिथि को मनाने जा रहे हैं। महाराज जी भी एक बात बता रहे थे ये हृदय से होनी चाहिए पुष्पांजलि, जिनके साथ स्नेह ममता प्रीति है वो, परंतु मैंने कभी उनको देखा भी नहीं और उनके मुख से सुना भी नहीं, परंतु हमारे गुरुदेव परम आराध्यतम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कार्तिक महीने में हर साल 15-20 साल से उनके आविर्भाव तिथि आती है
महाराज जी बड़े ही सुंदर उनकी सुंदर सुंदर घटनाएं बताते थे, वो मेरे को स्मरण आ रही है। उन्हीं को मैं स्रोत पंथा का अवलंबन करते हुए, जैसे रूप गोस्वामी को देखा नहीं है, स्रोत पंथा के करते करते हम रूप गोस्वामी को पुष्पांजलि देते, चैतन्य महाप्रभु को देते, ऐसे ही उनके चरणों में गुरु जी का आश्रय लेते, स्रोत पंथा का आश्रय लेते, मैं उनकी दो तीन घटना का स्मरण करते उनके चरणों में पुष्पांजलि देने का प्रयास करूँगा। गुरुदेव बताते थे श्री भक्ति रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी का हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के ऊपर बड़ा ही ऋण है, और मेरे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज के साथ बड़ा ही स्नेह में संबंध है। तो गुरुदेव बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं बनाते थे, जब हमारे मेरे गुरुपाद उनके मठ में जाते थे, बड़ा ही सुंदर मठ था, चित्र विचित्र आदि आदि महाप्रभु की लीला, राम जी की लीला, कृष्ण की लीला, और मैं भी स्वयं जब प्रसाद पाने जब जाता था तो बड़ा सुंदर प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद बनता मठ में, महाराज जी इतना सुंदर प्रसाद बनाते, एकाशी का प्रसाद आदि आदि प्रसाद, उस प्रसाद को जो भी ग्रहण कर लेता था सब उनकी महिमा का गान करते थे। और महाराज जी बड़े ही सेवानुमुख थे। एक बार क्या हुआ, मेरे गुरुदेव विनोद ब्रह्मचारी और सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी दोनों भक्ति सिद्धांत कृपाल जी की प्राण देकर इन्होंने सेवा की। जब भी हम कभी सब्जी लेने के लिए जाते थे मार्केट में, ठाकुर जी के लिए भिक्षा ग्रहण करने के जाते, तो बहुत सारे भिक्षा ग्रहण करके लाते थे, तो एक सब्जी का बहुत बड़ा बोरा था, एक छोटा बोरा था, तो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी कहते मैं बड़े को उठाऊंगा, महाराज जी बोले नहीं मैं इसको उठाऊंगा, तो बोले देखो तुम तो मैं देखो मैं बड़ा हूँ ना, बोले देखो आप तो पतले हो मैं मोटा हूँ ना, भक्ति सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी बहुत मोटे तकड़े आदमी, तो मतलब सेवा भी करने के लिए वैष्णव कष्ट ना हो सारी सेवा हम ग्रहण करें, तो बड़ी प्रीति में बड़ा स्नेह होता था। तो गुरुदेव इन घटनाओं को बताते गदगद हो जाते थे कैसे वो सेवा करते थे। और जब हमारे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गुरुदेव बता रहे थे, जब अप्रकट हो गए तो उस समय पर हम लोग निरुत्साहित हो गए, और क्या हुआ उस समय भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी आए और हमारी गौड़ीय वेदांत समिति को संवारा, और कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, और किस मार्ग से कैसे कैसे समिति चलेगी, बीच बीच में मेरे को स्मरण करना, मैं जितना भी समय होगा मैं आऊँगा आप लोगों की सहायता करूँगा, इस बात को स्मरण करके गुरुदेव गदगद हो जाते थे, कहते हम जीवन भर इनके ऋणी रहेंगे। जब हमारे गुरुदेव कहते थे तो हम भी प्रभुपाद जी के आसन के सभी ऋणी रहेंगे। और महाराज जी एक बात बोलते थे, हमारे महाराज जी भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की बड़ी सुंदर सुंदर उपदेशावली है, मैं पढ़ रहा था तो उसमें दो तीन बहुत सुंदर उपदेश है, परंतु समय कम है, एक दो उपदेश को मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाराज जी बताते थे जब तक कोई शुद्ध शरणागत और सरल चित्त हृदय नहीं होगा तब तक गुरु पाद की लीला और गुरुदेव उसके हृदय में स्फुरित नहीं होंगे। शरणागत जीव के सरल चित्त हृदय में ही गुरुदेव स्फुरित होते हैं। और महाराज जी बताते थे गुरुदेव के जाने के बाद सद शिष्य कोई वास्तविक सेवा वृत्ति की प्रकाशित होता है, गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद की सेवा को में कितनी सेवा वृत्ति है। और एक बात महाराज जी भक्ति नित्य लीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज इनको शिक्षा गुरु मानते थे, प्राण देखे जैसे दीक्षा गुरु मानते, प्रभुपाद जी की तरह इनको सम्मान करते थे। एक समय महाराज जी ने इनको बड़ा स्नेहपूर्ण शासन किया, बड़ा डांटते थे, तो उस समय प्रभुपाद जी ने इनको पूछा भिक्षा करने के लिए प्रचार करने के लिए तुम किसके साथ जाओगे, बोले मैं पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा वो इतना शासन करते हैं और तुम उनके साथ फिर भी जाओगे, कहते हैं वो मेरे पे कृपा करके शासन करते हैं। और जब जो कोई गुरुवर कोई महापुरुष या सज्जन या संत महापुरुष किसी पर कृपा करें उन पर विशेष कृपा है, अगर मेरी शरीर की बॉडी बॉडी को नोच भी देंगे तब मैं जीवन भर प्राण देकर भक्ति विवेक भारती को समय का अनुगत्य करूंगा और उनकी साथ ही प्रचार सेवा करूंगा। इस बात को सुनकर प्रभुपाद जी बड़ा प्रसन्न हो गए, बड़ा खुश हो गए। तो और उन्होंने इतना प्रसन्न हो गए, एक समय जब इन्होंने कलकत्ता में मठ बनाया तो भक्ति विवेक भारती महाराज कहीं दूर चले गए थे, उनको बताया भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज बड़े योग्य हैं और प्रचार आदि करेंगे, दीक्षा आदि लेकर मठ को चलाएंगे, अब मेरा जाना उचित नहीं है। तब इनको ये पता लगा तो इन्होंने एक पत्र लिखा पूज्यपाद नित्य भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज को कि महाराज यदि आप नहीं आएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैंने जीवन भर आपके अनुगत्य में सेवा की है और जीवन भर आपके अनुगत्य में रहूंगा,
अगर आप नहीं आएंगे हम पे शासन नहीं करेंगे, ये जो सरस्वती आसन है ये सब ये आप ही के लिए, आप हमें जीवन भर निर्देश करेंगे, जीवन भर आपके अनुगत्य में चलेंगे। इनकी कृंदक के पुकार को विरही रूपी पुकार को सुनकर भक्ति विवेक भारती महाराज आए और इनके साथ अंतिम समय रहे। इसलिए जितने भी मठ हैं उनको तिथि मनाई जाती है, गुरुतुल्य तिथि मनाई जाती है। मैं भी उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम पे भी कभी ना कभी अनुगत्य जीवन हम भी लोग बिताए, हमें भी ऐसी प्रभुपाद जी की शिक्षा को कभी जीवन में समझ पाए। जब मैं मठ में प्रवेश किया पूज्यपाद साधु महाराज जी बोले तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मैंने कहा महाराज जी मेरे को कुछ आता नहीं, महाराज जी बोले नहीं बोलना ही पड़ेगा, मैं फिर भी छिप गया और मां श्रीधर महाराज जी ने बोला। परंतु मैंने जो दृष्टा करी इतनी बड़ी सभा में इतने बड़े सन्यासी जनों के बीच तो बोलने का प्रयास किया है, आप लोग मेरे को क्षमा करेंगे। और मैं भी कभी प्रभुपाद जी के आश्रित जन हमारे पूज्यपाद भक्ति और नारायण गोस्वामी महाराज जी शिक्षा में शिक्षित होकर उनके अनुगत्य को फॉलो कर सकूं, ये मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जय नित्य राष्ट्र भक्ति श्री रूप सिद्धांत श्री गोस्वामी महाराज की जय। गुरुवाणी को याद जिस प्रार्थन करके हमें सुनाया तो ऐसे होना चाहिए। स्रोत वाणी एक ही है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चलती है। स्रोत वाणी जो है वो एक ही धारा से चलती है, जैसे गुरु बताया वैसे शिष्य को बतानी चाहिए। आत्मा वाश्य विधान विश्वम, तो भागवत में हम देखते हैं ईशा वाश्य विधान विश्वम, भागवत में आत्मा वाश्य विधान विश्वम। ये तो परिवर्तन इसमें है क्योंकि कोई बताते हैं कि परिवर्तन वो सुखदेव कर सकते कि भगवान को सुख ब्रह्म सुख तो नंदनंदन स्वरूपम तो सुख कैसे बता सकते हैं क्योंकि नंदनंदन स्वरूप है जो ईशा शब्द का अर्थ आत्मा है। तो उसी प्रकार वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य गुरुवाणी के अतिथि संसद में रिले करना, जैसे माई हमारे हमारी वाणी को सब रिले कर सुना दिया है सबको, ऐसे ही शिष्य का धर्म है गुरुवाणी को रिले करना। आज वैसे एक महापुरुष के चरणार्थ उनके चरणार्थित शरणधन्य हमारे गौरी वेदांत गौरी वेदांत समिति ट्रस्ट के प्रचारक द्वार श्री रूप सनातन गौरी मठ के अध्यक्ष महाराज भक्ति वेदांत सिद्धार्थ महाराज जी को पुष्पांजलि प्रदान करें। आप फिर बैठे शिष्य के मुख से गुरुवाणी जैसे निकलती है वो प्लेटफॉर्म लेक्चर के मुख से ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमात् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिन्न कलेवर नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप
सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित सभापति महोदय, अन्य अन्य त्रिदंड पादगण, वैष्णव वैष्णवी, सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे। आज है मेरे श्री गुरुपाद पद्म का श्री तिरुभाव महामहोत्सव है, इसलिए हम लोग बड़े बड़े वैष्णव लोगों के मुखारविंद से श्री गुरुपाद पद्म की जो अवदान वैशिष्ट है उसको विभिन्न दृष्टिकोण से हम लोग ने श्रवण किया है। कहते जो वैष्णव लोगों का न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानं च विद्यते, इसलिए वैष्णव लोगों का कोई जन्म कर्म बंधन है ही नहीं। जैसे कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः, कहते भगवान की जन्म कर्म जैसे अपराकृत अलौकिक दिव्य है, उसी तरह वैष्णव लोगों का भी जन्म कर्म ये सब के सब दिव्य है। बोले संगे आयसन संगे जान तथा, इसलिए भगवत आदेश से ही वो इसी जगत में आते हैं और भगवत इच्छा से ही इसी जगत से जाते हैं। इसलिए देव गुरु जी का हमें कथा सुनाता हूँ, सचमुच से प्रभुपाद का जो गण है, अभी जैसे बता रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यवधाम सहवतरी, जैसे श्रीमान महाप्रभु अकेले नहीं संपूर्ण धाम और परिकरों को लेकर के इसी जगत में आए हैं, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अकेले नहीं आए। इसलिए जब राधा रानी की निकुंज सेवा में जब श्री नयन मणि मंजर इसलिए प्रभुपाद उप सेवा में नियुक्त थे, राधा रानी स्वयं राधा रानी आदेश देती हैं, बोले नयन मणि मंजरी देखी जगत का जीव कैसे कृष्ण विमुखता प्राप्त करके ये संसार में कितने दुख कष्ट को भोग कर जाओ, ये जीवों को उधार करके लाओ, बोले अकेले नहीं अपना परिकरों को साथ में जाओ, अपना परिकरों को साथ में जाओ। उसी तरह से प्रभुपाद जी इसी जगत में अकेले नहीं आए, नहीं वो संपूर्ण अपना परिकरों को लेकर वो इसी जगत में आए, अकेले नहीं आए, पूरा उनको परिकरों को लेकर इस जगत में आए। इसलिए प्रभुपाद का जो गण है ये सब के सब कोई साधारण नहीं, ये सब के सब गोलोक वृंदावन से राधा रानी के निकुंज महल के। अभी हमारे श्री पहले जो बता रहे थे नवीन प्रभु जी, देखो एक अच्छी बात बता रहे थे, इस चीज को ध्यान देकर सुनो, वो बता रहे थे अभी कुछ कुछ लोग अभी ये गौड़िया मठ छोड़ करके किसी दूसरे संप्रदाय में अभी दीक्षा मंत्र लेने के लिए जा रहे हैं, किसी राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या गोपी भाव को किसको पाने के लिए जा रहे, नहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई सचमुच से गोपी प्रेम को महाप्रभु जो अनर्पित चरेचिराद जो प्रेम को देने के लिए जगत में आए थे, वो जो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आए थे, अगर वो दुर्लभ प्रेम को वही दे सकते हैं जो केवल प्रभुपाद की अनुगत्य में ही है, नहीं तो ये प्रेम को जगत में कोई नहीं दे सकते हैं, केवल वही दे सकते। बोले क्यों? कहते राधा रानी जिनको अपना निकुंज महल से राधा रानी इनको भेजा है इस जगत में, जो राधा रानी जिनको भेजा है वो प्रेम को वही दे सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनकी वंदना में कहते हैं ना वृषभानो सुता दई तानो चरम चरणाश्रितरेणो धरास्तमहं महदद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। इसलिए इसमें भी और प्रभुपाद का वंदना में क्या बोलते हैं, श्री भार्गवसभा नवी देवी दैताय कृपाद्वय, ये कौन है? बोले श्री भार्गवसभा नवी देवी दैत हैं, ये राधा रानी निज परिकर है, इसलिए राधा रानी की परिकर ही और राधा रानी की निकुंज महल की सेवा वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है, उपदेशामृत ग्रंथ है क्या चीज,
वो कहते थे वो सहजिया उनके लिए ये वज्र है, ये प्रभुपाद का वाणी, ये चीज को गौड़ीय वैष्णव अच्छे तरह से समझो, नहीं तो इधर उधर भटकते रहोगे जिंदगी भर। इसलिए ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद कहते थे ये जो ग्रंथ है साधारण ग्रंथ नहीं, कभी ये ग्रंथ है सहजिया के लिए वज्र है। बोले क्यों क्यों ये वज्र इस चीज ग्रंथों को बताया करते थे, कभी ये ग्रंथ जैसे रूप गोस्वामी कौन है, ये रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है और राधा रानी की नीचे परिकर है, वो दुर्लभ प्रेम को कैसे प्राप्त करोगे वही ये चीज को बता सकते हैं। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ में उन्होंने जो धारा दिया उसको जो स्टेप दिया पहले क्या बताए, बोले पांच बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, पहले ये बेग को तुम ठीक करो, अपने पहले कंट्रोल करो, अत्याहार प्रयास शांत प्रज्वल पर नियम ग्राम, ये जो बताया भक्ति का प्रतिकूल बोले छोड़ो, ये चीज को छोड़ा नहीं, क्लास स्कूल में तुम प्रवेश गए नहीं, तुम्हारे एडमिशन तुम्हारे नहीं हुआ, तुम्हें पीएचडी का ग्रंथ लेकर तुम्हें बैठ गए हो। इसलिए रूप गोस्वामी इसको धारा एकदम सही से ही बता रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे वो ब्रज प्रेम में तुम कैसे प्रवेश कर, उसका धारा उन्होंने बताया है। देखो महाप्रभु के देखो क्या कहते हैं सिखाष्ट के, उन्होंने क्या भगवान स्वयं कहते हैं, चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम त्रिनादपि सुनिचे न तरुरपि। सो महाप्रभु क्यों बताए इस लाइन क्यों दिए, वो महाप्रभु क्या नहीं बोल सकते असली सब आदरताम विनष्ट राधा रानी का प्रेम क्या नहीं बोल सकते थे, रूप गोस्वामी क्या नहीं बोल सकते थे वैकुंठ जाने तो बड़ा मधुबरी का नहीं बोल सकते थे सीधा ब्रज में घुस जाओ, नहीं भागवत में क्या ऐसे बताया है, पहले नारद चरित्र को दिखाया, ध्रुव प्रह्लाद को चरित्र, अम्बरीश महाराज को चरित्र दिखाया, कृष्ण लीला दिखाना पर भी पहले पुतना वध उन्होंने दिखाया, ये अपवित्रता को नष्ट करो अघासुर बगासुर को मारो फिर जाकर के रासलीला कहीं अंतिम में। लेकिन कुछ ऐसे लोग है ना बस कोई नहीं छलांग लगा देंगे पूरा, गुरुदेव कहते हैं टांग टूट जाएगा ज्यादा छलांग लगाओगे ना पर टांग टूट जाएगी टांग, इसलिए प्रभुपाद कहते इच्छोड़ पाका, प्रभुपाद कहते इच्छोड़ पाका, पकने से पहले जोर जबरदस्ती पका दिया काटा काटा लगो, इसलिए इच्छोड़ पका प्रभुपाद कहते थे। देखो और एक चीज समझो, जो संप्रदाय अभी जगत वृंदावन में कोई एक संप्रदाय का हम नाम तो बोलना नहीं चाहूंगा, लोग जहां पर भाग रहे हैं जो संपूर्ण वैष्णव धर्म का विरोध कर रहे हैं, आपको पता है वो एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वैष्णव का जो चार जो फिलोसफी है वैष्णव का चार फिलोसफी वो एकादशी व्रत नहीं करते हैं, जन्माष्टमी व्रत को नहीं पालन करते हैं, रामनवमी पालन नहीं करते हैं और उन्हें नृसिंह चतुर्दशी पालन नहीं करते, भगवान को तुलसी के बगैर भोग नहीं लग सकता है, कहते छापान भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी, भगवान को जितने भोग लगाने पर भी जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते हो तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगते हैं। लेकिन जिस संप्रदाय में लोग भाग रहे हैं वो लोग कहते नहीं ठाकुर जी के चरण में जो तुलसी देते हो ठाकुर जी को खाने में कैसे दे सकते हो, ठाकुर जी के चरण में जिस संप्रदाय में भाग रहे लोग हैं कहते ठाकुर जी के चरण में आप इसका अंदर का फिलोसफी आप पता नहीं, हम पता है सब, इसलिए भगवान की उनके पास में प्रसाद होता ही नहीं क्योंकि जब तक तुम तुलसी पता नहीं दोगे तब तक भोग नहीं लग सकता है, उनको पास में प्रसाद है ही नहीं उनके पास में, क्यों भगवान बगैर तुलसी के भोग लगाते भगवान को तो। और तीसरी चीज को देखो कहते श्रुति स्मृति पुराण आदि अच्छे तरह से चीज को समझो, कहते श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरि भक्ति उत्पाद रेव केवलम, ये श्लोकों को रट लो, ये श्लोकों को अच्छे तरह से रट लो नहीं तो भक्ति भक्त कुछ नहीं कर सकते हो। देखो ये श्लोक क्या कहता है, बोले श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, जो हमारे श्रुति स्मृति पंचरात्र में जो विधान दिया है अगर ये विधान को छोड़ करके ऐकांतिक हरि भक्ति जत्ते भी तुम्हें दिखती हैं, बड़े राधा रानी के प्रेमी की बात करते हैं, बड़े राधा रानी की निकुंज सेवा करते हैं, कैसे गोपी बनकर सेवा करते हैं, बोले उत्पाद रेव केवलम, ये शास्त्र कहता है ये उत्पाद है ये भक्ति नहीं, वो दिखता है तुमको जैसे भक्ति, बड़ी प्यारी प्यारी कथा कहते हैं, राधा रानी के निकुंज मंदिर का भ्रष्टाचार है, देखो ये पुराना स्वयं कहता है इसकी विधि के विचार जो दिखता ही पड़ता है, दिखता ही ऐकांत की भक्ति कर रहे हैं, राधा रानी की बड़ी प्रेम की बात करते हैं, निकुंज सेवा की बात करते हैं, उत्पाद है वो भक्ति नहीं,
वो भक्ति नहीं कहलाते, ये शास्त्र स्वयं कहता है ये उत्पाद है भक्ति नहीं। तुम्हें दिखता है बड़ी भक्ति की बात कर रहे गोपी की, नहीं। इसलिए हमारे जो गुरुपाद व्रत में है, जैसे श्रील भक्ति श्रील महाप्रभु उन्होंने एक एक भक्तों को देख करके उन्होंने एक एक सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया है, एक एक रूप गोस्वामी को देख रस की स्थापन की, जीव गोस्वामी को देख रहे उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देख करके हमारे प्रयोजन तत्व को स्थापन किया, हरिदास ठाकुर को देख करके उन्होंने श्री नाम का आचार्य को स्थापन किया है, जैसे एक एक सनातन गोस्वामी को द्वारा उन्होंने हमारे संबंध ज्ञान को स्थापन किया, उसी तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी इन्होंने भी एक एक भक्तों को देख करके उन्होंने जगत में एक एक सिद्धांत उन्होंने स्थापन किया, एक एक भक्तों को देख करके जगत में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आचे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना पृथ्वी भैया लोग हमारे गाय के गिरती है, महाप्रभु का भविष्यवाणी एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम को गली गली में कुंज कुंज में शहर शहर में लोग प्रसन्न होकर के बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु की। ये भविष्यवाणी था, यद्यपि ये भविष्यवाणी को महाप्रभु ने जिन जिन भक्तों को देख करके जितना जितना दूर तक उन्होंने अपना अभिष्ट पूर्ण किया, अगर संपूर्ण रूप में अगर किसी व्यक्ति को द्वारा ये वाणी संपूर्ण सक्सेसफुल होना किसको द्वारा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को द्वारा, प्रभुपाद को द्वारा, क्योंकि राधा रानी के नयन मणि मंजरी है, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, इसलिए कहते हैं ना मिंद्रिंद बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वस्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करीस सीरमा कृपा कटाक्ष भाजनम। बोले राधा रानी की कहते त्रिलोक शोक हारिणी, राधा रानी की कृपा क्या है, बोले तीन लोक का जो शोक को जो हरण करने वाले श्री राधा रानी का कृपा, वो कृपा कटाक्ष कौन है, श्री प्रभुपाद है, क्योंकि राधा रानी की नयन मणि मंजरी है, वो आग की पुतला है, वही राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष से ही श्री भक्ति सिद्धांत ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के रूप में आए, और इन्हें नहीं अपना शिष्य प्रशिष्य को द्वारा महाप्रभु का वाणी को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। उसी तरह जो मेरे गुरुदेव है, जैसे एक एक को द्वारा उन्होंने एक एक सिद्धांत को स्थापन किया, उसी तरह मेरे गुरुदेव भी इनका नाम उन्होंने क्या नाम रखा, बोले सिद्ध स्वरूप। अभी गोविंद महाराज बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, बोले सिद्ध रूपिणा निकुंजे राधा कृष्णम सेवा करती थी सिद्ध स्वरूप, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इसलिए कहते हैं कोई कोई देखो जो सहजिया लोग है ना, वो क्या कहते हैं, अरे गौड़िया मठ है ना चिवड़ा खाता है, चिवड़ा जाते हो, इसलिए जैसे ये तो चिवड़ाते हैं, ये तो कोई रस की बात करते नहीं, ये तो कोई प्रेम की बात नहीं करते हैं, हाँ ये तो चिवड़ा राधा रानी के निकुंज की बात नहीं करते करते हैं। प्रभुपाद ने इन्होंने मेरे गुरुजी का नाम सिद्ध स्वरूप नाम दिया, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी का नाम विनोद, उन्होंने विनोद नाम रखा है विनोद मंजरी, और महाराज का जो गुरुदेव है भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद ने स्वयं इनके लेटर लिखा है इनके पास में, इनका नाम दिया विमला मंजरी, इनका गुरुदेव को उन्होंने लेटर भी दिया विमला मंजरी नाम दिया है। इसलिए प्रभुपाद ने जो शिष्यों का जो नाम दिया है ना, वो नाम के अंदर में उन्होंने उनका सिद्ध स्वरूप का नाम को उन्होंने प्रकाशित किया है। लेकिन कोई कोई कहते नहीं प्रभुपाद दिया, नहीं प्रभुपाद दिया है, लेकिन इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म, इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म प्रभुपाद का उन्होंने जीवनी को लिखा है, उनका जीवन में मेरे गुरुदेव कहते हैं, कहते प्रभुपाद का जो सिद्ध स्वरूप था प्रभुपाद, इनको दो तरह का व्यक्ति दो रूप में दर्शन किया है, बोले पहला व्यक्ति जो अनर्थ युक्त व्यक्ति, कहते उनको एक रूप में देखा, बोले किस रूप में देखा, इनको देखा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये सिद्धांत सरस्वती नाम किसने दिया है, प्रभुपाद की विद्वता, प्रभुपाद की जो मेधावी, प्रभुपाद का जो विद्वता थी, जिसको देख करके उसी समय तथागतित जितने सारे विद्वान मिल करके उन्होंने ये भक्ति सिद्धांत नाम दिया इनको, इन पर ज्योतिष विभाग की जो सर्वश्रेष्ठ पद प्रभुपाद को दे रहे थे,
प्रभुपाद ने कहा देखो उन्होंने एक अयनास शब्द को लेकर विवेचना हुई तो प्रभुपाद जो उनका प्रिंसिपल था ज्योतिष विभाग का प्रभुपाद का विचार सुनकर के उन्होंने कुर्सी में तो टाटी पेशाब कर दिया सुनी प्रभुपाद का विचार सुनकर के और इनको बोला गया आप ये पद को प्रिंसिपल पद को लो प्रभुपाद ने कहा मैंने तारा और मैंने ये तारा को चंद्रमा ईट बालू गिनने के लिए नहीं आया मैं तो महाप्रभु का के पियर हूँ केवल उनकी वाणी को मैंने देने के लिए आया है ये तारा और चंद्रमा को गिनने के लिए मैं नहीं आया और प्रभुपाद को बोले जब तक इसी दुनिया में आप रहेंगे ये तब तक इसी कुर्सी में कोई नहीं बैठ सकता है केवल बैठने का लायक आप ही हो तब तक ये कुर्सी खाली रखे उसी समय में सब लोग मिल करके प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको उसमें पदवी में विभूषित किया है इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं साधारण लोग रूप में ये दिखाई पड़ी लेकिन इनका जो अंतरंग जन है प्रभुपाद इनका जो अंतरंग जन मेरे गुरुदेव एक अच्छी बात कहते हैं जैसे श्री राधा रानी वो दिखाई पड़ता है सूर्य पूजा के लिए सूर्य कुंड जा रही है लेकिन क्या सूर्य पूजा के लिए राधा रानी जाती थी सूर्य पूजा के लिए नहीं जाती थी वो जाती थी सिर्फ श्याम सुंदर से मिलने के लिए श्याम सुंदर से मिलने के लिए सूर्य पूजा बहाना है इसलिए प्रभुपाद कभी कभी कहते हैं मैं तो जंगल काटते काटते मेरा जीवन चला गया लेकिन जो चीज को देने के लिए मैं आया हूँ जिस चीज को देने के लिए आया वो चीज तो बड़े विरल व्यक्ति जो लोग चीज को ले पाए इसलिए प्रभुपाद उपदेशा मृतम में बहुत सारी जगह में प्रभुपाद कहते हैं हम रूप गोस्वामी की चरण की धूल बनना ही हमारे जीवन का एकमात्र काम है केवल एक इच्छा है रूप गोस्वामी की चरण की धूल मतलब रूपानुगत्य हो के राधा रानी की अनुगत्य में श्याम सुंदर का सेवा ही जीवन का लक्ष्य है इसलिए प्रभुपाद बारंबार ये चीज को प्रभुपाद बारंबार ये बात को बोले इसलिए प्रभुपाद जो उनका अंतरंग जो भक्त है उनको पास में श्री भार से भारती देवी दैत्य रूप में प्रकाशित हुई राधा रानी के अत्यंत निज जन रूप में उन्होंने प्रकाशित हुए हैं इसलिए हमारे गुरु जी के अंतर में अभी अभी सब भक्ताल को बहुत सारी वैशिष्ट गुरु जी के अंतर में पहला वैशिष्ट अंतर में ये था इसलिए गुरुपाद पद में उन्होंने गुरु निष्ठा को पहले दिखाया जैसे हम माला में जब करते हैं ना हरे कृष्ण नाम जब करते हैं उसी तरह मैंने स्वयं देखा गुरुदेव को गुरुदेव दिन रात हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद दिन रात जैसे माला जब करते हैं मैंने देखा गुरुदेव दिन भर हा प्रभुपाद केवल यही नाम को जब करते थे मतलब है प्रभुपाद का प्रति इनका जो निष्ठा है इनका जो निष्ठा प्रभुपाद प्रति जो गुरु निष्ठा है उन्होंने सर्वप्रथम गुरु निष्ठा की महत्व उन्होंने दिखाए बोले गुरुपाद भक्त में जहाँ रहे भक्ति निष्ठा जगत तारी से सही धर्म आ सकते इसलिए जिनके श्री गुरुपाद पद्म में निष्ठा रहती है वही व्यक्ति ही विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं इसलिए पहला इनके अंदर में गुरु निष्ठा उन्होंने दिखाया दूसरे निष्ठा उन्होंने दिखाया देखो ये जो चित्रकारी देख रहे हैं ना इतने सारे चित्रकारी ये किसी गौड़ी मठ में पहले नहीं था पहले सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव ने किया है ये चीज को उसी समय कोई कोई बोले ये सब क्या सब पुतला पुतला तुमने बना दिया मंदिर हाँ बना दिया लेकिन मेरे गुरुपाद में आप कभी सारस हमारे मंदिर में गए होंगे देखे होंगे जो पूरी कलकत्ता नवद्वीप मठ में वहां पर जैसे यहाँ उपदेश है ना एक जगन्नाथ दास और गौरवेश्वर श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का जैसे उपदेश है हमारे जो गुरु जी का मंदिर जाओगे जैसे लगता है इसे संख्या से बात करता है जितने गुरु तत्व वैष्णव तत्व कृष्ण तत्व भक्ति तत्व उसका जो सार सार श्लोक है गुरुदेव ने पूरा दीवाल में लिख कर रखे क्यों सारे मूर्ति जानते हैं कलयुग आने वाले लोग हरी कथा सुनेंगे नहीं कम से कम ये चित्रकारी माध्यम से अगर कुछ चीज को अगर समझ गए अगर उनके हृदय में कुछ बैठ गया जब कोई व्यक्ति आते थे हम समझाया करते थे भगवान इसको तरह क्या से क्या दिया ये क्या लीला किया ये क्या लीला की लोग अगर कम से कम कोई अगर बोलने वाले नहीं हो मंदिर सख्यात जो मंदिर हमारे गुरुदेव ने बनाया वो सख्यात बात करती है मंदिर सख्यात बात करता है ये चीज को मैंने मेरे गुरुदेव सर्वप्रथम उन्होंने मेरे गुरुदेव ये चीज को उन्होंने स्थापन किया है मेरे गुरुपाद पद्म और मेरे जो गुरुपाद पद्म में इनके अंदर में और एक निष्ठा थी अब लोग मेरे श्रवण कर रहे थे मैं एक बात बताना पहले जा रहा था प्रभुपाद का जो गण है ये सबके सब राधा रानी के नित्य परिकर है इसका प्रमाण देखो एक समय मंदिर में एक सब नया नहीं आया मेरे कुछ पता नहीं था छोटा बच्चा था एक दिन गुरुदेव स्वयं बोले रथ आया मेरे को लेने के लिए गुरुदेव स्वयं बोले रथ मेरे को लेने के लिए आया उनको जो सेवक थे बोले मेरे को स्नान कराओ और मेरे को तिलक लगाओ अभी रथ आया मेरे को लेने के लिए और तुम बैठ कर कीर्तन करो अभी तो शिष्य लोग अगर कोई गुरुदेव बोले फिर तो उसको तो सब खत्म बता गए सब गुरुदेव बोले जा रहे जाएंगे
सब के सब कीर्तन कर रोने लग गए। मैं तो उसमें छोटा बच्चा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, नया नहीं आया इतना। जब कुछ थोड़ी देर समय चला गया ना, फिर गुरुदेव बोले देखो अभी महाप्रभु कहते हैं अभी और कुछ काम तेरे से करना है। महाप्रभु कह रहे और कुछ काम तुम्हारे तरफ होने वाले हैं और कुछ दिन रुक जाओ, अभी मेरे लेने के लिए मना कर दिया है। देखो जो व्यक्ति ऐसे जो व्यक्ति है तो ये समझो ये सबके सब प्रभुपाद के राधा रानी के कितने बीज जन हो सकते हैं, तभी ये बात उनकी अनुभूति करके ये बात बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद का गण कोई साधारण नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी के अंदर में विशेष करके दो चीज प्रकाशित होता है। एक चीज जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में दो चीज विद्यमान दिखाई पड़ा, एक सिद्धांत और एक तत्व। दो चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती अंदर में सिद्धांत और तत्व दर्शन दोनों, क्योंकि इनकी टीका आप लोग पढ़ोगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, आप लोग देखोगे इनकी कथा में देखोगे, एक तो आपको केवल कथा कथा नहीं मिलेगा वो सिद्धांत और साथ में आप कथा मिलेगी सिद्धांत के साथ में। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म को अंदर में भी ये दो चीज मिला है। एक तो आप लोगों ने सीधा इनका नाम ही जब गुरुपाद प्रभुपाद नाम दिए सिद्ध स्वरूप नाम दिए, जब इनकी सन्यासी नाम यही भी सन्यासी नाम हुआ भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ महाराज। इसलिए ये सिद्धांत सिद्धांत तत्व इनके अंदर में, क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जो सिद्धांत जो तत्व दर्शन है उसका अगर अलसता नहीं करनी चाहिए। देखो अभी हमारे धीरे धीरे गौड़ीय मठ में क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे प्रभुपाद का समय में इतने प्रचार प्रसार था, प्रभुपाद ने 64 गौड़ीय मठ स्थापन किया, फिर उनका शिष्य लोगों ने प्रचार प्रसार करते बनाए। अभी क्या हुआ हम लोग प्रचार नहीं करते हैं और अपना ग्रंथों को नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ने का नाते कभी इधर भाग जाते हैं कभी इधर भाग जाते हैं कभी इधर भाग जाते हैं। अरे तुम्हारे घर का जो संपत्ति है अरे उसको पढ़ो ना। हमारी गौड़ीय वैष्णव में जितने ग्रंथ है जितने ग्रंथ हमारे गौड़ीय वैष्णव में किसी संप्रदाय में उपलब्ध नहीं। एक रूप गोस्वामी को देख लो क्या क्या उन्होंने ग्रंथ नहीं बनाया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देख लो क्या क्या ग्रंथ नहीं बनाया, और हमारे श्री जीव गोस्वामी को देख लो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या क्या ग्रंथ नहीं बनाया। हम अपना संप्रदाय का ग्रंथ पढ़ते नहीं, राधा रस सुधा निधि हमारी संप्रदाय की ग्रंथ है, हमारी प्रभुदानंद सरस्वती का ग्रंथ है, ये ग्रंथ है। अभी ये ग्रंथों को दूसरा लोग पढ़ पढ़ कर हमें सुना रहे हैं और हम वहां भाग रहे हैं, अपना घर की संपत्ति कोई चोरी करके लेकर हमें सुना रहे हैं, हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं और उसका हम भाग रहे हैं सुनने के लिए। हम कितने दुर्भाग्य आए और खा पी कर 100 साल करके जीवन को बिता रहे हैं। नहीं, हम बड़े सौभाग्यवान जो कि हम इसी संप्रदाय में आए। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने जो ग्रंथ दिया ग्रंथों को पढ़ो, हम पढ़ते नहीं ग्रंथों को, हमारी दुर्भाग्य है। इन लोगों ने पत्ता जला जला कर ग्रंथों को लिखे, अरे कम से कम ये ग्रंथों को तो पढ़ो कम से कम ग्रंथों को। इसलिए हमारे जो गुरुपाद पद्म है कभी इन्होंने जो इनका नाम सिद्ध स्वरूप विद्या बागी से आप लोग सुन रहे थे विद्या महा उपदेश, इस उपदेश प्रभुपाद ने दिया है। इनके अंदर में सिद्धांत बलिया चित्त ना कर अलस, इसलिए कहते जो सिद्धांत तत्व दर्शन है इसमें अलसता नहीं करनी चाहिए, इसमें ग्रंथ सिद्धांत पढ़नी चाहिए। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म आप लोग श्रवण कर रहे थे कहते जब तक तीन ग्रंथों के ऊपर में किसकी टीका नहीं होगा उसको संप्रदाय नहीं माना जाएगा। यहाँ तक भी कहते जो मायावादी संप्रदाय है उसी में भी अभी प्रस्ताव त्रय सुन रहे थे ना, श्रुति स्मृतान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्ताव, मतलब ब्रह्म सूत्र उपनिषद और भगवत गीता, ये तीनों ग्रंथों के ऊपर जब तक इसका टीका नहीं होगा ना उसको संप्रदाय नहीं माना जाती है। इसलिए आप लोग श्रवण कर रहे थे, इसलिए प्रभुपाद का जो इच्छा थी उन्होंने भक्ति भूदेव सौदेव गोस्वामी महाराज की बात उन्होंने बताए थे, बोले उस समय वो बड़े विद्वान थे, बोले देखो अपना संप्रदाय के अनुरूप हमारी ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में कोई टीका होनी चाहिए, नहीं तो इसको संप्रदाय नहीं माना जाता है। इसी टीका के अनुरूप मतलब है जैसे ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जोनित्वात अनावृत्ति सप्तात अनावृत्ति सप्तात, कहते ये जो सूत्र के ऊपर में पहले जो था दास्य सख्य रस तक उसको ऊपर में कोई विवेचना नहीं किया, उसके ऊपर और कोई विवेचना ही नहीं की। लेकिन महाप्रभु जो जगत में देने के लिए आए वो अनर्पित चरी चिरात और ब्रज प्रेम को देने के लिए आए, कहते इसी ऊपर में कोई इसके ऊपर भाष्य होनी चाहिए। ये प्रभुपाद ने अपना मन भावना को भक्ति भूदेव श्रौति गोस्वामी महाराज को उन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने कोशिश किया था लेकिन छोटी ग्रंथ बनाया। वो कहते हैं मैं सक्सेस मैं संतों से नहीं था, लेकिन जब देखा सिद्ध स्वरूप भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज ये तीनों ग्रंथ के ऊपर टीका लिख रहे, वो कह रहे हैं मैं इतना प्रसन्न इतने प्रसन्न हो गया मैं भाग भाग कर गया। वो कहते मैं भाग भाग कर गया सिद्धार्थ महाराज के पास में,
कहते ये प्रभुपाद मेरे ऊपर ये दायित्व देकर गए थे, वो स्वयं कह रहे मेरे को ऊपर देकर दे थे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये प्रभुपाद का जो इच्छा है, अभिष्ट है, अभी पहले तो तुम्हारे अंदर में, पहले गुरुदेव केवल प्रचार ही करते थे, प्रचार में आप सुन रहे थे ना कैसे उन्होंने राम कृष्ण मिशन और विवेकानंद को कैसे छक्का छुड़ा दिए, पहले तुम्हारी अंदर में केवल प्रचार की ही विद्वता प्रकाश हो रही थी, लेकिन अभी तुम ये ग्रंथ शास्त्र भी प्रकाश कर रहे हो, इतने प्रसन्न हुए, बोला हर तरह से मैं तेरे को मदद करूंगा, ग्रंथ करो, ये प्रभुपाद का मनोविष्ट है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने वो ग्रंथ को ऊपर में जैसे जन्मादस्य जत, साधारण रूप में इसको क्या व्याख्या करते हैं, जन्मादस्य जत, जिनसे ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, लेकिन इसी शब्द को मुक्त प्रग्रह वृत्ति में इस शब्द को व्याख्या कर दो, बोले जन्मादस्य जत, जत बोले जिनसे आदि रस मतलब श्रृंगार रस, जन्म जिनसे ये आदि रस की सृष्टि होता है, किससे, बोले श्रृंगार रस बा श्रीमती राधा रानी से। इसलिए अनुयादितरतस्य कहते प्रेम का संपूर्ण राधा कृष्ण का सौंदर्य कब प्रकाश होता है, बोले राधा रानी कृष्ण कृष्ण जब अनुकूल नायक होते हैं, राधा रानी जब स्वाति रूप गोस्वामी का शब्द है, राधा रानी जब स्वाधीन भत्रिका होती है, मतलब कृष्ण जब संपूर्ण रूप में जब कृष्ण राधा रानी मान करती है, जब श्याम सुंदर हाथ जोड़कर उनके चरण में उनको मनाने के लिए चाहते, तब भी इनके अंदर में संपूर्ण जो सौंदर्य का परिप्रकाश होता है। ये जो शब्द सत्यं परम धीमहि, परम सत्य कौन है, बोले परम च पराम देवी पराम श्रीमती राधा रानी, बोले देवी कृष्णमय प्रतर राधिका परा देवता। ये जो शब्द को जो ब्रह्म सूत्र का जो शब्द है हाँ, इसको जो श्रृंगार रस में माधुर्य रस में कहते हमारे गुरुपाद में इसको जो व्याख्या किए, अनुवृत्ति टीका लिख करके उसको इतने सुंदर ग्रंथ बनाया हमारे गुरुपाद पद में, एक तरफ से जैसे सिद्धांत जैसे इनके अंदर में, उसी तरह जो रस का जो जैसे इनके अंदर में दो चीज है, विश्वनाथ ठाकुर अंदर में रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी, रस और सिद्धांत है हमारे गुरु जी के अंदर में भी, ये चीज को अपूर्व रूप में दिव्य रूप में गुरु जी के अंदर में ये परिप्रकाश दिया है। इसलिए इनकी तो बहुत बहुत सारी इनकी अवदान गुरु जी की, विशेष करके तीनों मत में ठाकुर को सेवा पूजा की मठ कम किया, लेकिन गुरुपाद पद्म केवल ग्रंथ के ऊपर में ज्यादा किया केवल, इसलिए वेदांत सूत्र के ऊपर में उपनिषद जो 11 उपनिषद है और उसके बाद में प्रभु किरण बिंदु करण किरण कणा यही नियत वैष्णव पणा है, और उन्होंने दो दो उन्होंने ग्रंथ निकाले, कौन सा ग्रंथ, ये उपदेश हमारे जो भक्ति गीति कुछ है, ये ग्रंथ को निकाले फिर गुरुदेव उद्धव संवाद, उद्धव संवाद गुरुदेव ने निकाले, फिर गुरुपाद पद्म दो गीता, एक गीता नहीं, एक श्री बलदेव विद्याभूषण और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका, इसलिए गुरुदेव ने इतने ग्रंथ इतने, इसलिए हमारे से भक्ति विलास तीर्थ महाराज महाराज का गुरुदेव को स्वयं लिखते हैं, हमारे गुरुदेव के लिए स्वयं लिखे, बोलते सिद्धार्थ देखो सिद्धार्थ महाराज जगत में सबसे बड़ा दानी किसको बताया, बता ना जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सास्वदत्त हे दायित दीक्षताम दीक्षताव का त्वयि धृतात् सव त्वां विचिन्वते। राधा रानी गोपिया कहती है जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, बोले जो भगवत कथा को जो दान करते सबसे बड़ा दानी, लेकिन हम महाराज का गुरुदेव कहते हैं, कहते जो कथा को दान करते तो बड़ा दानी है ही है, लेकिन उसी कथा को चिरकाल के लिए छपा करके वो कह रहे हैं चिरकाल के लिए उस ग्रंथ रूप में जो छोड़ करके जाते हैं, कहते उससे भी बड़ा दानी है जो बृहद हैं बृहद मृदंग रूप में ये ग्रंथ को जो प्रकाश करके जाते हैं, उससे भी बड़ा दानी जो ग्रंथ प्रकाश करके जाते हैं। इसलिए श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बात कहते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी ऊपर बड़े प्रसन्न हुए होकर के बताया, देखो श्री श्री वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र को रचना तो की, लेकिन ब्रह्म सूत्र को रचना करते हुए बाद में सोचे ब्रह्म सूत्र को तो मैंने रचना की, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका व्याख्या जब तक नहीं बताऊंगा लोग कैसे समझेंगे। फिर उन्होंने निगम कल्प तरुर गलितम फलम, फिर उन्होंने भागवत को उसका उन्होंने ग्रंथ रचना कर गई, और भागवत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु किया है रासलीला है, रासलीला में जहाँ पर स्वयं गोपियां कहते हैं अनयाराधितनु नाम भगवान हरीश्वर, उसको अंदर में राधा रानी की महिमा। इसलिए वेदांत सूत्र मतलब होता है वेदांत, मतलब वेद का अंत व वेद का सार, वेद का सार क्या बोले भागवत, और भागवत का सार क्या ब्रज प्रेम, ब्रज प्रेम का सार गोपियों की प्रेम, और सर्व गोपियों को सेवई का विष्णु रतन तब लगा, ये गोपियां भी जिनकी चरण की पूजा करती है किसकी है, किसकी पूजा करती है
राधा रानी की, इसलिए गुरुदेव ने सब चीज को बड़े विद्वता पूर्वक स्थापन कर गए। इसलिए हम लोग सबके साथ इनकी चरण में ऋणी है, इसलिए ये हम सबको ऊपर में कृपा करे, सबको ऊपर में आशीर्वाद करे। इन्होंने जो दिव्य ग्रंथों को प्रकाश करते हुए गए, इस ग्रंथ को हम पढ़ सके और इसके पीछे हम अनुधावन कर सके, हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बांछा कल कृपा वाङ्मय पुष्पांजलि प्रदान करते हैं सभा समाप्त के बात तो उनकी बात है, उन सब के आशीर्वाद से जो मिला है वो ही बताते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत शरद सतीष्टम पदाब्जो दशार्पित जीव वित्तम आचार्य वज्रं सदिवान्न भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभु गुरु नमामि श्री भारती स्थापित आसनादि पतिं जतींद्रं सुतिवीत वरन्नम प्रज्ञान बीजम प्रज्ञान बीजम संतरी जीव का बीज जो क्या है वो तो बीज जो से केवल प्राकृत पैदा होता है, और प्रज्ञान प्रेम भक्ति बीजम प्रज्ञान बीजम सति कीर्तिमन्तम श्री रूप सिद्धांति प्रभु नमामि प्रसाद केन्द्रम पुतरोक्मि अन्नतमम अकुंत बागमे प्रधान मादाच गुदये महिष्टम तीते सतीत प्रवरे कृतज्ञम तीत महाराज और सतीत्व दोनों के प्रति अत्यंत कृतज्ञ, विशेष रूप से भारती महाराज के प्रति अत्यंत कृतज्ञ। श्री रूप सिद्धांति प्रभु नमामि वेदांत सूत्रोपनिषद गौड़ भाषान बाधादिकितं महंतं गर्वात्मदैवं तदभीष्टकज्जं त्रिरूप सिद्धांति प्रभुं नमामि चैतन्य कृष्णे परिनिश्चितंतं रूपानुगुण भक्तिरसानुरक्तं श्रीकृष्ण संकीर्तन राशमुग्धं सिद्धांति प्रभु नमामि बादीनि सिंहं परमात्पदं बादीनि सिंह बादी को दलन करने के लिए निशिंग की बादी जिनका प्रभाव वो है बादीनि सिंह बादीनि सिंहं परमात्पदं सद्धर्म संस्थापन सम्मतिष्टं साधुत्तमं भागवतार्थ दीपं भागवतार्थ को प्रकाश करने वाले साधुत्तम श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। मंत्रे च तंत्रे विबुधं शरण्यं जुक्तौ च दक्षं भजने कृतार्थं मंत्र तंत्र शास्त्र में तो अतिशय पंडित लोग श्रद्धालु के शरण युक्ति और भजन में कृतार्थो दक्ष गच्छामि पादान चरित्रशीलम श्री रूप सिद्धांति प्रभु नमामि मैत्री कृपा प्रेम क्षुदाभिषिक्तम वस्तव जनक प्रति मैत्री कनिष्ठ जन के प्रति कृपा आराध्य के प्रति प्रेम सुधा के द्वारा अभिषिक्त शत्रु कितैचि प्रवरं प्रशांतम और क्या शत्रु के प्रति भी हित अच्छी जो लोग गोली मार के प्रति शत्रुता करते हैं कैसे हित होती है गाली देते हैं तो कैसे होती है हित होता है तो बता जाए बंदा उन दस को कहते हैं नित्यानंद को तो नमाज नहीं तो क्या सिर पर मैं लाती मत और दसम दस को कहते हैं तो नित्यानंद को नहीं मानते ही जीवित अवस्था में मुख में आग लगाओ
ये तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो अहित की कृपा आशीर्वाद वंचित हो रहा है। जो लोग नित्यानंद मुख नहीं बनते मगज खराब हो गया, खराब होने के बाद क्या कर धक्का लगा दिया है, लात मार के आशीर्वाद स्वयं दे देते हैं, वो आशीर्वाद से जान सकते हैं। ऐसे शत्रु हित प्रवार शत्रु के हित के कैसे होता है, शत्रु का भाव उद्घाटन करके कर जला देते हैं, और भाग से जब चल जाए तो उनके हृदय से पाप कम हो जाने के बाद वो मालूम होते हैं कि हमारे को भी शत्रुता किया कि मित्रता किया। शत्रु हित प्रवरम प्रशांतम गोविंद राधानुचरी स्वरूपम, गोविंद राधानुचरी स्वरूपम स्वरूप सिद्धांत प्रभुम नमः। जब तक हमारे सामने गुरु वैष्णव रहते हैं तब तक हम मालूम नहीं होते हैं, चल जाते हैं तो मालूम होते हैं। चल जाते हैं क्यों, संसार की अनित्यता, फिर भी शिष्य जनों की अंतर में विरह, जो विरह से भगवत साक्षात्कार कर लिया है, संभोग से भगवत साक्षात्कार मधुर नहीं हो सकता है। संभोग व्यापार से जो मिलन, मिलन में आनंद इतना ही नहीं है जितना आनंद विरह में है। भगवत तत्व विज्ञान विरह में ही प्रस्फुट होता है। जैसे इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं केवल विप्रलंब रस को आस्वादन करते है, चैतन्य महाप्रभु संभोग लीला को आस्वादन नहीं करते है। कभी संभोगवाद बताया कि चैतन्य चरितमृत में संभोगवाद है कि स्वयं राधा तो है, स्वयं राधा बाप ने कि ये संसार में अभिभूत हुआ है, परंतु बाद में तो संभोगवाद नहीं है। कहा कहा वृंदावन, कहा गोविंद नंदन, कहा दाव कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कहा रे जाना बो के बाद जाने मर दुख हो ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मर दूर। क्यों कहती है ये संपक बात हुआ पर नहीं तो संपक बात संपक करते 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 कृष्ण भगवान थक गया, लेकिन संपक से इतना आनंद नहीं मिला, इसलिए विप्रलंब लेके अभी ठुकती है। तो विप्लम्ब में क्या होता है, स्फूर्ति होता है, विप्लम्ब में भी संभव है, वो है मानसिक को आनंदमय है। बाहर से जो मिलन होते है वो मिलन से विप्लम्ब में जो मिलन होते है वो मिलन तो मधुर मधुर, क्योंकि वहां पर सब स्फूर्ति प्राप्त होता है। जैसे गोपिया गीत गाती है राजस्थली में कृष्ण को स्मरण करते हुए लीला स्मरण करते करते गाती है, लेकिन संभव में की गान किया गया है, संभव में इससे गान नहीं गाते। तो मानो विप्रलंब वस्तु लोग, इसलिए हमें हमारे अंतर में विप्रलंब जगाने के लिए भगवत तत्व विज्ञान तो आशीर्वाद किया, उसको स्फूर्ति कराने के लिए संसार में चल जाते हैं। क्योंकि ये संसार तो एक पाठशाला में गुरु जी जाते हैं पाठ पढ़ा दे के फिर अपना घर चल जाती है, ऐसे गुरु जी गुरु लोग जो है वो भगवान से प्रेरित है, फिर भी भगवान कम समाप्त करके अपना धाम में चल जाती है। ऐसे जो लोग है सुबुद्धिमान जो है शिक्षा लेके फिर उनके पीछे पीछे उधर भागते है, जो गुरु जी से मंत्र लेके संसार में भागते है वो तो कुशिष्य है, वो शिष्य स्वरूप है, और शिष्य है वो जो गुरु जी की बात को आश्रय करके गुरु जी कहा गया है तो वो पीछे पीछे भागते है। मनो वो है सब शिष्य। जय गोविंद। उसी तरह प्रभुपाद प्रभुपाद कहते कहते प्रभुपाद के पास चले गए नयन मंदिर शास्त्र जी, तो उन महापुरुष के चरणारविंद में पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद जय गोविंद जय आरती करो। हाँ हरे कृष्णा। जितने सन्यासी और ब्रह्मचारी गृहस्थ भक्त लोग, आपके लिए ऊपर में प्रसाद की व्यवस्था है,
আচার্যের কোমর ভাগা করতে পারবে না, এখানে এরকম কেউ নেই, কোমর ভাগ সব সব চঙ্গে সবকে সব উপর মে আর জিতনে মাতা হ্যাঁ আপ লোক সব নিচে প্রসাদ পানা আর জিতনে আমার বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ভাই লোক সবকে সব উপর সবই কে প্রসাদ আবি ঠাকুরজি আরতি কি বলে আবি ঠাকুরজি কি আরতি হোগি আরতি কো বাদ মে সবকে সব আনকো পরা হ্যাঁ হরি কৃষ্ণ আরতি ব্রহ্ম কো ভাই আতি গাই Thank you.
Thank you.